मैं तो ना सो गई हूँ, रेडी, मैंने खाना भी खा लिया। पूरी देवान कैसे पड़ा मैं इसको ऐसे बोल रही हूँ, आज इतने भयंकर सर्दी है, क्या करेगा ना। उसको पहनी रही सुबह तो पहना आई थी जैकेट, देखो सर्दियों में वैसे कपड़े नहीं धुलते, इनको रोज चेंज करती हो। सुबह ही चेंज किया था मैंने, एक दिन नींद आएगा तो क्या हो जाएगा इतनी सर्दी में। ये बड़ा है, वह अच्छा है कि नहीं नहीं लाओगे तो ट्यूशन नहीं जाऊंगे, नहीं लाओगे तो ट्यूशन जाऊंगे। देखो इन बच्चों के दिमाग बिना नहा नहीं रहते, मैं कह रही हूँ आज इतने भयंकर सर्दी है, क्या नहाते हो, मान ही नहीं रहे। बेटा क्या नहाते हो, मेरे को तो कोई कह देता ना कि नहाना नहीं है तो मैं तो नहीं नहाती सही, मैं तो ऐसे ही नहा ली। फिर क्या बच्चा, हाथ मुंह पाँव धो लेगा तो फिर क्या बच्चा नहाने के लिए। मुझे ये सड़ान लीन तो ना हो ना हो ना ये ना ये तेरे सांग को समेट लिया अगर मेरे बेड पे फैला के रखती है सारे दिन पर सांग ही फैला के रहती है तो सर्दी तो मेरे हाथ ही काम नहीं दे रहे, ऐसे बिल्कुल हो रही है बहुत भयंकर। जैसे धूप है लेकिन सर्दी भी इतनी भयंकर है, थोड़ी सी धूप निकली है तो मैं सोच रही थोड़ी देर धूप में बैठ जाऊँ, मैं लहसुन छिलूंगी तो मैं चटनी बनाऊंगी हरे धनिए की, मैं बनाऊंगी आलू के पराठे। और मेरे हाथ ना ठंडे पानी से अभी आलू धो के मैं बॉइल कर चढ़ाने के आई थी तो पानी से ऐसे बिल्कुल वो हो गए क्या बोलते हैं ना, जम गए बर्फ की तरह। तो मैं थोड़ी देर धूप में बैठूंगी, इससे सर्दी लग रही है बहुत भयंकर। तो भाई दोस्तों ये घोड़ा जो है खच्चर गधा, कमेंट्स कर जरूर जरूर बता दियो, ये चल रहा था अपने घर के बारे में। और मक आई जी पानी की टंकी ने भर रही जो, और ये देखो बोरिंग चाद रही जो पानी की टंकी भर रही जो अपनी। दोस्तों ये लुगाई कौन चाहे कमेंट्स कर जरूर जरूर बता दियो। हाय मम्मी, ऐसे बोले हाय मम्मी, हाय कैसन था तुम्हारा, कैसन था दूध ले रहा गी कूद जाऊंगे। आखिर सुने यह हेडिंग डालना, आखिर प्रवीण ने क्यों करी खुशखुशी करने की कोशिश, कूद जाऊं। अब ये देख ले कतरी नीचे से तू काई, कूद जाऊं, चल बोल मैं कूद रहा हूं। आखिर प्रवीण ने क्यों करी खुशखुशी करने की कोशिश। यही ना बेटा चूटिया आ गया ना, चूटिया। और चुलबुल देवांश क्या हाल चाल है तेरे, हैं दादाजी कहाँ गए, अच्छा वहाँ गए कि दादाजी, अच्छा 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 हाँ बेटा। तो भाई दोस्तों पतंगा उड़ा रहे बच्चे हैं, तुम बच्चों के साथ साथ पतंगा उड़ा पाना आगो, क्या क्या कह रही है। तो गाय जी डंडी लगी थी तो कैसा हो गया। अरे मेरी बेटी लग गई ना, मेरी छोटी बच्ची ऐसे ध्यान से रहा करो है ना, लग जाती ना। चुलबुल सौर ऊर्जा को धोना पड़ेगा, देख कितनी मिट्टी जम रही है इस पे, देखिए ये मिट्टी जमने के बाद में है ना ये बिजली कम बनाती है। पापा, हाँ बेटा ये उसी का काम है, ये उसी की पीटी करूंगा, अभी तो है नहीं वो। आप तो छोटे बच्चे अच्छे बच्चे हो आप तो। भाई दोस्तों देखो माँ की साइड में पतंगा बहुत ज्यादा उड़ रही है, देख ही सको जो। हाँ तो भाई दोस्तों नगर निगम को ट्रैक्टर आए चो, ये कचरा निकट्टो करो और जला दियो। और ये देखो दोस्तों सफेद कबूतर थे ना जी को बच्चे हो जाए चतकाब रहे कबूतर। शानदार चीज बताऊं था, देखो एक अंडो दीजिए कबूतर,
तू तो या तो जगह ना मटर ही छील ले कर या मटर खाई ले कर बच्चों मटर खाओ सब्जी डाल ली हाँ तुरंत खा ओ यार लो काई सब्जी काई बनाऊंगी मैं काई की सब्जी मटर की गाजर की हल्दी सब्जी बना रही हूँ हल्दी मटर तो भाई दोस्तों ये अंडा क्यों बैठी है क्योंकि आज बहुत भयंकर सर्दी है कुन कुन का सर्दी है और कुन कुन का सर्दी है कमेंट्स कर जरूर बताओ और ये देखो गरम हवा में तप रहे हैं ये मशीन का आग बैठी है गरम गरम हवा दे रही है मशीन है माले पूरा गरम कर रही है ना तो भाई दोस्तों माँ का कहें सौर ऊर्जा लाग रही है देखो सही सत उपयोग हो गया सौर ऊर्जा पूरी छत बना सौर ऊर्जा लाग रही है जिस बिजली को बिल्कुल ज्यादा चिंता गुन रहा हूँ और अंडे बेटी बेटी देखो थान देखो पूरी लोकेशन बताऊ अंडे बेटी बेटी सीसीटीवी में देखा जा रही है कौन आ रही है कौन जा रही है कौन आ रही है कौन जा रही है मोबाइल वो अटैच कर रखे है ना ये चाय मन पदी तो भाई दोस्तों आज माँ बन रही है चाय लेकिन चाय बन रही है शाम का टाइम पे और ये आलू का पराठा